दोस्तों, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष जो हैं उपेन यादव जी ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। अब ऐसा ही दोस्तों उन्होंने क्यों किया है, सारी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। रीट भर्ती और एसआई भर्ती को लेकर दोस्तों जो सभी वाद विवाद हो रहे हैं उनमें आंदोलनकारियों में सबसे अग्रणी रहने वाले उपेन यादव जी ने भूख हड़ताल निर्णय का ऐलान क्यों किया, सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है सारी खबर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के साथ हुई वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव जी ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि 7 दिन में रीट और एसआई भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का पर्दाफाश अगर नहीं किया जाता है तो बत्तीलाल को गिरफ्तार नहीं किया गया और 14 अक्टूबर से आमरण अनशन पर वो बैठेंगे। उपेन ने बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ गैर जमानती कानून बनाए जाने की मांग भी की है और साथ ही रीट एसआई भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग भी की है। दोस्तों, उपेन यादव जी ने कहा है कि फर्जीवाड़े, पेपर लीक और धांधली के जो मामले हैं उनको दबाने नहीं दिया जाएगा और आखिरी सांस तक वो संघर्ष करने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के आपको भी दोस्तों सबको पता है कि किस प्रकार से वाद विवाद चारों तरफ हो रहे हैं। लगभग सभी एग्जाम सेंटरों पर रीट का पेपर लीक माना जा रहा है। तो आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि डोटासरा जी ने क्या कहा है इस रीट भर्ती की जो पेपर लीक प्रकरण में, तो इसका वीडियो भी दोस्तों आप आगे देखने वाले हैं। घंटे में यू टर्न ले लिया उस नेता ने, जो ये कहते थे कि ये बच्चे जब तक न्याय नहीं मिले, सीबीआई की जांच नहीं होगी, तब तक खुलासा नहीं होगा, मर जाऊंगा, गल जाऊंगा, धूप हो बरसात हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और अरुण सिंह जी की एक तड़ी पड़ी और वो कहाँ गए बच्चे? बच्चे अगर वो परीक्षा देने वाले बच्चे होते तो उनके साथ जाते क्या? वो अपना आंदोलन जारी रखते। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि किरोड़ी लाल जी मीना ने जो धरना 2 दिन तक चलाया वो उनके अपने व्यक्तियों के साथ में एक सस्ती लोकप्रियता के लिए किया, लेकिन जब पता लगा कि भाजपा साथ में है, जब पता लगा कि परीक्षा सही हुई है, जब पता लगा कि 31,000 परिवारों के वो बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है वो इनके खिलाफ हैं, तो कल उनका बयान चेंज हो गया कि अगर जांच में सही पाया जाता है तो तुरंत नौकरी दें। तो दोनों घोड़ों पे नहीं चढ़ा जाता, एक घोड़े पे चढ़ ले मेरा भाई, या तो ये कह दे कि गलत है, जब तक जांच नहीं होगी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब तक ये लड़के उठेंगे नहीं। तो लड़के तो थे ही नहीं उनके साथ में, 10-20-50 जो वो अपने लाते हैं हमेशा हमेशा साथ में रखते हैं वही लोग थे। अगर एक भी बेरोजगार जो रीट दिया हुआ होता तो वो किरोड़ी लाल मीणा के, अरुण सिंह जी के कहने से जो उठ के गए तो वो उसके साथ में नहीं। आज बीजेपी का युवा मोर्चा आपके गृह क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, ये करे तो सही, 2.5 साल में कुछ करी नहीं। ट्विटर ट्विटर और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। कल वो राजवर्धन सिंह जी और आ गए कि साहब मैं भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार।